हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोग को पाठ 10 सरकार के अंग पार्ट 2 पढ़ाने वाली हूँ, आगे का भाग। चलिए हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 2 में। पहला है विधेयक से कानून बनाने की विधि, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सामान्य विधेयक, गैर वित्तीय। अनेक सामान्य विधेयकों को मंत्रियों द्वारा सदन में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को प्रथम वाचन कहते हैं, जिससे विधेयक का शीर्षक यानी जो इंग्लिश में हम लोग टाइटल बोलते हैं, उद्देश्य तथा कारणों का उल्लेख होता है। इन विधेयकों को सदन में प्रस्तुत करने से पहले उस सदन के अध्यक्ष की तथा वित्तीय यानी वित्त या धन संबंधी विधेयक यानी आप लोग को बताए बिल होता है, प्रस्तुत करने के लिए केंद्र में राष्ट्रपति तथा राज्य में राज्यपाल यानी गवर्नर की स्वीकृति अर्थात मंजूरी आवश्यक है। प्रथम वाचन में विधेयक की सामान्य जानकारी तथा उसके मुख्य मुद्दों पर चर्चा होती है। आवश्यकता पड़ने पर मतदान यानी वोट करवाया जाता है। इसमें बता रहे हैं कि विधेयक से कानून बनाने की जो विधि है, सामान्य विधेयक, गैर वित्तीय, इसमें अनेक सामान्य विधेयकों को मंत्रियों द्वारा सदन में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को प्रथम वाचन कहते हैं, जिससे विधेयक का शीर्षक, उद्देश्य यानी लक्ष्य तथा कारणों का उल्लेख होता है। इन विधेयकों को सदन में प्रस्तुत करने से पहले उस सदन के अध्यक्ष की तथा वित्तीय विधेयक प्रस्तुत करने के लिए केंद्र में राष्ट्रपति तथा राज्य में राज्यपाल की मंजूरी आवश्यक है। प्रथम वाचन में विधेयक की सामान्य जानकारी तथा उसके मुख्य जो विषय हैं उस पर चर्चा होती है, मुख्य मुद्दों पर। आवश्यकता पड़ने पर वोट भी करवाया जाता है। आगे पढ़ते हैं, द्वितीय वाचन के दौरान विधेयक के प्रत्येक मुद्दों की धारा अनुसार चर्चा होती है, उसके उद्देश्यों तथा उसके प्राप्त होने वाले परिणामों पर बहस यानी चर्चा होती है। उसमें लोगों, समूहों, संस्थाओं तथा विरोध पक्षों के अभिप्राय यानी विचारों के आधार पर सुधार किया जाता है। अंत में उस पर मतदान होता है। इसमें कह रहे हैं कि द्वितीय वाचन के दौरान विधेयक के प्रत्येक मुद्दों की धारा के अनुसार चर्चा होती है, बात होती है उस पर, उसके उद्देश्यों तथा उसके प्राप्त होने वाले परिणामों, निष्कर्ष पर बहस होती है। उसमें लोगों, समूहों, संस्थाओं तथा विरोध पक्ष के विचारों के आधार पर सुधार किया जाता है और अंत में उस पर मतदान होता है। आगे, कई बार सदन में अधिक कामकाज होने के कारण विधेयक पर विस्तृत चर्चा नहीं हो पाती है। इसके लिए संबंधित विषय के अनुभवी यानी जानकार तथा विशेष जानकार ज्ञान रखने वाले सदस्यों की प्रवर यानी सर्वश्रेष्ठ समिति को सौंप दिया जाता है, जो विधेयक की जांच करता है। लोकमत का ध्यान रखते हुए प्रवर समिति प्रस्तुत चर्चा के बाद सुधार कर संबंधित विवरण पत्र सदन को सौंपती है तथा विधेयक को तीसरे वाचन के लिए प्रस्तुत करने के लिए भेजती है। इसमें बता रहे हैं कि कई बार सदन में अधिक काम होने के कारण विधेयक पर बहुत बड़ी चर्चा नहीं हो पाती है, लंबी चर्चा नहीं हो पाती है, इसलिए इससे संबंधित विषयों के जो जानकार तथा विशेष खास ज्ञान रखने वाले सदस्य की प्रवर समिति होती है उसको सौंप दिया जाता है, जो विधेयक की जांच करता है। लोकमत यानी जनता के मत का ध्यान रखते हुए प्रवर समिति विस्तृत चर्चा के बाद सुधार कर संबंधित विवरण पत्र सदन को दे देती है तथा विधेयक को तीसरे वाचन के लिए प्रस्तुत करने के लिए भेजती है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, तीसरे वाचन की प्रक्रिया मात्र एक औपचारिकता है। औपचारिकता मतलब औपचारिक होने के गुण या भाव, यानी दिखाई देने के लिए, खाली दिखावे के लिए। विधेयक में सुधार के लिए की गई सिफारिशों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के पीछे प्रस्तुत तर्क के बाद अंत में विधेयक के स्वीकार स्वरूप पर मतदान करवाया जाता है। अगर विधेयक के पक्ष में बहुमत होता है तो विधेयक पारित घोषित किया जाता है। उस पर सदन के अध्यक्ष का हस्ताक्षर लेकर उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भी
विधेयक इसी प्रक्रिया से गुजरता है। दूसरे सदन में आवश्यक संशोधन यानी सुधार के साथ पारित यानी पास हो जाने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति यानी मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और स्वीकृति मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाता है। इसमें बता रहे हैं कि तीसरे वाचन की प्रक्रिया मात्र एक औपचारिकता होती है। विधेयक में सुधार के लिए की गई सिफारिशों यानी सोर्स बोलते हैं इंग्लिश में, सोर्स को स्वीकार मानने या अथवा न मानने करने के पीछे प्रस्तुत तर्क के बाद अंत में विधेयक के स्वीकार स्वरूप पर मतदान करवाया जाता है। अगर विधेयक के पक्ष में बहुमत होता है तो विधेयक पास घोषित किया जाता है। उस समय सदन के अध्यक्ष का हस्ताक्षर लेकर उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में से विधेयक इसी प्रक्रिया से गुजरता है। दूसरे सदन में आवश्यक सुधार के साथ पारित हो जाने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और स्वीकृति मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाता है। आगे पढ़ते हैं, अगर दूसरे दिन सदन में विधेयक पारित नहीं होता है तो उसे पुनः यानी फिर पहले सदन को वापस भेजा जाता है। अगर दूसरे सदन द्वारा विधेयक 6 महीने तक पहले सदन को वापस नहीं किया गया तो उस सदन में विधेयक पारित नहीं हुआ ऐसा मान लिया जाता है। जब दोनों सदनों के बीच मतभेद यानी असहमति बढ़ गया हो या राज्यसभा में सत्ता पक्ष की बहुमति न हो तब विधेयक को स्वीकृति मिलनी मुश्किल हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को बहुमत यानी अधिक मत सहमति से पारित किया जाता है। इसमें बता रहे हैं कि अगर दूसरे सदन में विधेयक यानी बिल पारित नहीं होता है, पास नहीं होता है तो उसे फिर से पहले सदन को वापस भेज दिया जाता है। अगर दूसरे सदन द्वारा विधेयक 6 महीने तक पहले सदन को वापस नहीं किया गया तो उस सदन में विधेयक पारित नहीं हुआ ऐसा मान लिया जाता है। जब दोनों सदनों के बीच मतभेद होता है, सहमति नहीं होती है या राज्य में सत्ता पक्ष की बहुमति न हो तब विधेयक को मंजूरी मिलना मुश्किल हो जाता है और ऐसी परिस्थिति में ऐसी अवस्था में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को अधिक सहमति के साथ बहुमत के साथ उसे पास किया जाता है। आगे पढ़ते हैं, विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करते समय भी राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं और इसमें करें विधेयक यानी बिल पर राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करते समय भी राष्ट्रपति के पास 3 रास्ते होते हैं। पहला, वह विधेयक पर हस्ताक्षर करके स्वीकृति प्रदान करे अथवा वह विधेयक को अपने पास रख सकता है अथवा विधेयक को पुनः यानी फिर से विचार के लिए संसद के पास वापस भेज दे। इसमें करें 3 तरह से विकल्प है राष्ट्रपति के पास, या तो अपने पास रख के या तो विधेयक को हस्ताक्षर करके स्वीकृति प्रदान करे या अपने पास रख सकता है या फिर से विधेयक को संसद के पास वापस भेज सकता है पुनः विचार करने के लिए। आगे पढ़ते हैं, राष्ट्रपति के किसी विधेयक पर मंजूरी प्रदान करने के बाद कानून सरकारी गजट से यानी अखबार में प्रकाशित होता है। उसके बाद उसमें दर्शाई गई तारीख से उसका अमल शुरू माना जाता है। इसमें कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के किसी भी विधेयक पर स्वीकृति मिलने के बाद कानून सरकारी गजट यानी अखबार में उसको छापा जाता है। उसके बाद उसमें से दिखाई गई तारीख से उसको लागू किया जाता है। आगे पढ़ते हैं, ब, जब संविधान में सुधार में संबंधित विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तब संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्यों की बहुमति यानी अधिक सहमति या उपस्थिति तथा मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों यानी जैसे 3/2 सदस्यों की बहुमति आवश्यक होती है। केंद्र तथा राज्यों के संबंधों के संदर्भ में संविधान सुधार के लिए संसद के दोनों सदनों के आधे से अधिक सदस्यों की सहमति यानी मंजूरी के साथ सदस्यों राज्यों के 50% विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। सामान्य विधेयक की तरह यह विधेयक भी विविध चरणों यानी स्थानों से गुजरता है।
इसमें करें कि जब संविधान में सुधार से संबंधित विधेयक संसद में भेजा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तब संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्यों की बहुमति या अधिक से अधिक सहमति या उपस्थिति तथा मतदान में भाग लेने वाले दो तृतीयांश सदस्यों की बहुमति आवश्यक होती है। केंद्र तथा राज्यों के संबंध के संदर्भ में संविधान में सुधार के लिए संसद के दोनों सदनों के आधे से अधिक सदस्यों की सहमति के साथ राज्यों के 50% विधानमंडलों की मंजूरी आवश्यक है। सामान्य विधेयक की तरह यह विधेयक भी विविध चरणों यानी स्थानों से होकर गुजरता है। आगे पढ़ते हैं, कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं यह निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बजट से संबंधित तथा वित्तीय व्यवस्थाओं से संबंधित विधेयक को वित्तीय विधेयक कहा जाता है। केंद्र का बजट अंदाज पत्र केंद्रीय वित्त मंत्री अधिकांशतः 28 फरवरी को लोकसभा में प्रस्तुत करता है। सभी वित्तीय विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं जो निम्नलिखित चरणों से गुजरते हैं। करें कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है यह फैसला लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बजट से संबंधित तथा वित्तीय व्यवस्थाओं से संबंधित विधेयक को वित्तीय विधेयक कहा जाता है। केंद्र का बजट अंदाज पत्र केंद्रीय वित्त मंत्री अधिकांशतः 28 फरवरी को लोकसभा में प्रस्तुत करता है। सभी वित्तीय विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं जो निम्न चरणों से स्थानों से होकर गुजरते हैं। आगे पढ़ते हैं, पहला है लोकसभा में प्रस्तुत वित्त विधेयक पर 2-3 दिनों तक प्राथमिक चर्चा होती है। दूसरा, बजट में खर्च के लिए रखी मांगों के ऊपर चर्चा विचारणा यानी सोच विचार होती है। वित्त मंत्री बजट से संबंधित सभी आंकड़ीय जानकारियों को संसद में प्रस्तुत करता है। तीसरा है, सभी विभागों के मंत्री जैसे कृषि विज्ञान संरक्षण व्यापार वाणिज्य यानी व्यवसाय तथा मानव संसाधन विभाग आदि अपने अपने विभागों की मांगों को लोकसभा के समक्ष यानी सामने विचार विमर्श के लिए रखते हैं तथा मतदान के द्वारा उस पर मंजूरी प्राप्त करनी होती है। चौथा है, बजट में आय के अनुमानित क्षेत्रों पर तथा कर से संबंधित प्रस्ताव अलग अलग स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा उस पर मंजूरी लेनी पड़ती है। इसमें बता रहे हैं कि लोकसभा में प्रस्तुत वित्त विधेयक पर 2-3 दिनों तक प्राथमिक चर्चा होती बातचीत होती है। दूसरा बता रहे हैं कि बजट में खर्च के लिए रखी गई मांगों के ऊपर चर्चा सोच विचार होती है। वित्त मंत्री बजट से संबंधित सभी आंकड़ा की जानकारियों को संसद में प्रस्तुत करता है। तीसरे में बता रहा है कि सभी विभागों के मंत्री जैसे कि कृषि मंत्री विज्ञान के क्षेत्र के मंत्री संरक्षण व्यापार वाणिज्य तथा मानव संसाधन विभाग आदि अपने अपने विभागों की मांगों को लोकसभा के सामने सोच विचार के लिए रखते हैं तथा मतदान के द्वारा उस पर स्वीकृति यानी मंजूरी प्राप्त करनी होती है। बजट के में आय की अनुमानित क्षेत्रों तथा कर जिसे टैक्स कहते हैं से संबंधित प्रस्ताव अलग अलग स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा उस पर मंजूरी यानी स्वीकृति लेनी पड़ती है। आगे पढ़ते हैं, लोकसभा में पारित होने के बाद वित्त विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा को इस विधेयक से संबंधित आवश्यक सिफारिशों के साथ 14 दिन के अंदर वापस लोकसभा के पास भेजना पड़ता है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है। अगर 14 दिनों के अंदर राज्यसभा वित्त विधेयक को वापस लोकसभा के पास नहीं भेजती है तो विधेयक राज्यसभा के द्वारा पारित माना जाता है। राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को लोकसभा स्वीकार करती है तो दोनों सदनों में संशोधित यानी सुधार करके विधेयक पारित हुआ माना जाता है। लेकिन राज्यसभा को सिफारिशों को लोकसभा अस्वीकार करे तो लोकसभा में मूल स्वरूप में पारित विधेयक दोनों सदनों में पारित माना जाता है। इस प्रकार वित्तीय मामलों में राज्यसभा की सत्ता लोकसभा की तुलना में सीमित है यानी कम है। इसमें बता रहे हैं कि लोकसभा में
पारित यानी पास होने के बाद वित्त यानी धन संबंधी बिल जो है उसको राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा को इस विधेयक से संबंधित आवश्यक सिफारिशों के साथ 14 दिन के अंदर वापस लोकसभा के पास भेजना पड़ता है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है, यानी मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। अगर 14 दिनों के अंदर राज्यसभा वित्त विधेयक को वापस लोकसभा के पास नहीं भेजती है तो विधेयक राज्यसभा के द्वारा पारित माना जाता है, यानी पास कर दिया गया ऐसा माना जाता है। राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को लोकसभा स्वीकार करती है तो दोनों सदनों में संशोधित यानी सुधार करके विधेयक पारित हुआ माना जाता है। लेकिन राज्यसभा की सिफारिशों को लोकसभा अगर नहीं माने तो लोकसभा में मूल स्वरूप में पारित वित्त विधेयक दोनों सदनों में पारित माना जाता है। इस प्रकार वित्तीय मामलों में राज्यसभा की सत्ता लोकसभा की तुलना यानी बराबरी में सीमित है यानी कम है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। इस तरह विविध प्रक्रियाओं के अंत में दोनों सदनों में पारित वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति यानी मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है। वित्तीय विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। अगर बजट संसद में पारित नहीं होता है तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। कहने इस तरह से अलग अलग प्रक्रियाओं के अंत में दोनों सदनों में पारित वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है। वित्तीय विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी मंजूरी देनी ही पड़ती है। अगर बजट संसद में पारित नहीं होता है तो सरकार को फिर त्याग पत्र देना पड़ता है, अपना पद छोड़ना पड़ता है। आगे पढ़ते हैं। इसके उपरांत विधान सदनों में देश के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक यानी राजनीतिक संरक्षण सुरक्षा तथा विदेशी मामलों से संबंधित विविध क्षेत्रों के प्रश्नों पर विचार विमर्श किया जाता है। लोकसभा कार्यपालिका मंत्रिमंडल तथा कर्म कार्यकारी अधिकारियों के कामकाज पर नजर यानी देखरेख और नियंत्रण यानी अंकुश रखती है। सार्वजनिक वित्त का कार्यक्षम यानी कार्य करने की क्षमता तथा व्यवस्थित रूप से उपयोग किया जाए इस पर निगरानी यानी नज़र रखने का कार्य जनता के प्रतिनिधियों का है। इस तरह लोकसभा सार्वजनिक वित्त के उपयोग पर सीधे तथा अंतिम नियंत्रण यानी अंकुश रखती है। संसद की स्वीकृति के बिना कार्यपालिका द्वारा नया कर यानी टैक्स नहीं लगाया जा सकता तथा वर्तमान करों में कोई फेरबदल यानी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कार्यपालिका के खर्च पर विधायिका का नियंत्रण होने के कारण इसे सार्वजनिक धन का रक्षक कस्टोडियन कहा जाता है। इसके उपरांत संसद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यानी न्यायाधीशों मुख्य चुनाव आयुक्त ऑडिटर जनरल अटॉर्नी जनरल जैसे लोगों के सामने संविधान भंग यानी तोड़ने के आरोप में इम्पैक्टमेंट प्रस्ताव पारित कर उन्हें उनके पद से यानी पदवी से हटा सकती है। इसमें बता रहे हैं कि इसके बाद विधान सदनों में देश के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संरक्षण सुरक्षा तथा विदेशी मामलों से जुड़े हुए विविध क्षेत्रों के प्रश्नों पर विचार विमर्श किया जाता है, सोचा जाता है। लोकसभा कार्यपालिका मंत्रिमंडल तथा कार्यकारी अधिकारियों के कामकाज पर निगरानी और नियंत्रण रखती है। सार्वजनिक वित्त का कार्य करने की क्षमता व्यवस्थित रूप से उपयोग किया जाए इस पर निगरानी रखने का कार्य जनता के प्रतिनिधियों का है। इस तरह लोकसभा सार्वजनिक वित्त के उपयोग पर सीधे तथा अंतिम नियंत्रण रखती है। संसद की स्वीकृति के बिना कार्यपालिका द्वारा नया कर नहीं लगाया जा सकता तथा वर्तमान यानी अभी के समय के करों का में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। कार्यपालिका के खर्च पर विधायिका का नियंत्रण होने के कारण इसे सार्वजनिक धन का रक्षक कस्टोडियन कहा जाता है। इसके बाद संसद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों मुख्य चुनाव आयुक्त ऑडिटर जनरल अटॉर्नी जनरल जैसे लोगों के सामने संविधान को तोड़ने के इल्जाम में इम्पैक्टमेंट प्रस्ताव पारित कर उन्हें उनके पद से यानी स्थान से हटाया जा सकता है।
आगे पढ़ते हैं। राज्य स्तरीय विधायिका, राज्य स्तर पर विधायिका के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और पहला है विधानसभा। प्रत्येक राज्य में एक विधान सदन होता है जिसे विधानसभा कहते हैं। विधानसभा निचला सदन है। कह रहे हैं कि हर एक राज्य में विधान सदन होता है जिसे विधानसभा भी कहते हैं। विधानसभा निचला सदन है। दूसरा है विधान परिषद। विधान मंडल के दूसरे सदन को विधान परिषद कहते हैं। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में दो सदन हैं। वहाँ ऊपरी सदन गृह विधान परिषद तथा निचला सदन गृह विधानसभा के नाम से पहचाना जाता है। गुजरात में विधान परिषद नहीं है। अलग अलग राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की संख्या में अंतर यानी परिवर्तन दिखाई देता है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार किसी भी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से कम तथा 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में गुजरात में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 182 है। कह रहे हैं कि विधानमंडल के दूसरे सदन को विधान परिषद कहते हैं। विधान परिषद बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में है। वहाँ ऊपरी सदन गृह विधान परिषद तथा निचला सदन गृह विधानसभा के नाम से पहचाना जाता है। गुजरात में विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा है। कह रहे हैं अलग अलग राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की संख्या में परिवर्तन यानी अंतर दिखाई देता है। संवैधानिक यानी संविधान में लिखे गए नियमों के अनुसार किसी भी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से कम तथा 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभी के समय में गुजरात के विधानसभा में सदस्यों की संख्या 182 है। आगे पढ़ते हैं विधानसभा सदस्यता के उम्मीदवार के लिए योग्यताएं। कह रहे हैं विधानसभा में सदस्यता के लिए अगर चुनाव लड़ना है तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए। जो भारतीय नागरिक हो उसकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक हो, पागल, दिवालिया तथा अपराधी यानी दोषी घोषित यानी साबित न किया गया हो, वह व्यक्ति विधानसभा सदस्य के रूप में उम्मीदवारी कर सकता है। इसमें योग्यताएं बता रहे हैं कि जो भारतीय नागरिक हो जिसकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक हो, पागल, दिवालिया, अपराधी न घोषित किया गया हो, वह व्यक्ति विधानसभा सदस्य के रूप में चुनाव लड़ सकता है विधानसभा की सदस्यता के लिए। कार्यकाल, कार्यकाल मतलब काम करने का समय कितने दिनों का होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। विधानसभा अस्थायी सदन नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसका विसर्जन होता है। कई बार असामान्य परिस्थिति में संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार सरकार नहीं चल सकती या सरकार की रचना नहीं हो पा रही हो, तब राज्यपाल राष्ट्रपति को विधानसभा को का विसर्जन यानी उसे रद्द करने की सिफारिश भेजता है, प्रार्थना भेजता है तथा राष्ट्रपति को विधानसभा को बर्खास्त यानी निरस्त करके राष्ट्रपति शासन लगा देता है। उस समय राज्यपाल यानी गवर्नर राज्य का संचालन यानी नेतृत्व करता है। विधानसभा सदस्य अपने में से ही विधानसभा के सरल संचालन के लिए अध्यक्ष यानी स्पीकर तथा उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर का चुनाव करते हैं। करें विधानसभा स्थायी सदन नहीं है, इसमें हर 5 साल बाद बदलाव होता है। सामान्य परिस्थिति, साधारण परिस्थिति अगर है तो उसमें उसका समय काम करने का 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसको रद्द कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है। कई बार असामान्य यानी परिस्थिति अच्छी नहीं है तो संविधान में लिखे गए व्यवस्थाओं के अनुसार सरकार नहीं चल सकती या सरकार की रचना नहीं हो पा रही है, तब राज्यपाल राष्ट्रपति को विधानसभा का रद्द करने की सिफारिश भेजता है तथा राष्ट्रपति को विधानसभा को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा देता है। उस समय राज्यपाल राज्य का संचालन करता है, नेतृत्व करता है। विधानसभा सदस्य अपने में से ही विधानसभा को सरल यानी आसानी संचालन के लिए अध्यक्ष, स्पीकर तथा उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर का चुनाव करते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं विधान परिषद सदस्य स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं
नामांकित यानी जिनका नाम लिया गया चुना गया हो, जिन स्नातकों महाविद्यालयों का नामांकित स्नातक माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों तथा अध्यापकों द्वारा निर्मित मतदान मंडल द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद सदस्य के लिए 30 वर्ष या उससे अधिक की आयु तथा भारतीय नागरिक होना चाहिए। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा की तरह इसके भी प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 यानी 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त यानी अपने कार्य से मुक्त होते हैं। राज्य में विधान परिषद रखना या न रखना यह राज्य निश्चित करता है। गुजरात में विधान परिषद नहीं है। लोकसभा की तरह विधानसभा के पास अधिक सत्ताएं यानी अधिकार है। विधानसभा में सामान्य तथा वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक विविध यानी अलग अलग स्तरों से स्वीकृत होते हुए अंत में राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाता है। इसमें बता रहे हैं कि विधान परिषद सदस्य स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं नामांकित स्नातकों माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों तथा अध्यापकों द्वारा निर्मित मतदाता मंडल द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद के सदस्य के लिए 30 वर्ष से उससे अधिक की आयु तथा भारतीय नागरिक होना चाहिए। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा की तरह इसके भी प्रत्येक सदस्य का काम करने का समय जो है 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 यानी 1/3 सदस्य हर एक दूसरे अपने कार्य से मुक्त होते हैं अपने स्थान से। राज्य में विधान परिषद रखना या न रखना यह राज्य तय करता है। गुजरात में विधान परिषद नहीं है। लोकसभा की तरह विधान परिषद सभा के पास अधिक अधिकार है। विधानसभा में सामान्य तथा वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक अलग अलग स्तरों से मंजूरी होते हुए पाते हुए अंत में राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कार्यपालिका। सरकार का सबसे कार्यशील सबसे प्रभावशाली तथा प्रत्यक्ष रहने वाला अंग कार्यपालिका है। संघीय कार्यपालिका अर्थात केंद्र सरकार। राजकीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल तथा स्थायी प्रशासनिक कर्मचारियों से बने प्रशासनिक तंत्र को प्रशासकीय कार्यपालिका कहते हैं। करें कार्यपालिका में कि सरकार का सबसे कार्यशील सबसे प्रभावशाली यानी असरकारक तथा प्रत्यक्ष रहने वाला अंग कार्यपालिका है। संघीय कार्यपालिका का मतलब होता है केंद्र सरकार। राजकीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल तथा अस्थायी प्रशासनिक कर्मचारियों से बने प्रशासनिक तंत्र में प्रशासकीय कार्यपालिका कहते हैं। आगे राजकीय और प्रशासनिक कार्यपालिका के अधिकारी और कर्मचारी जनता के सीधे संपर्क में आते हैं। उनके कार्यों से लोग प्रभावित होते हैं। विधायिका द्वारा निर्मित कानून को व्यवहार में अमल करवाने का कार्य कार्यपालिका का है। सरकार द्वारा लोगों की आकांक्षाएं यानी इच्छाओं उपेक्षाएं यानी उम्मीदों तथा लोकमत यानी जनता के मत के आधार पर निर्मित नीतियों योजनाओं तथा कार्यक्रमों के अमल यानी लागू करवाने का कार्य प्रशासनिक कार्यपालिका करती है। करें राजकीय और प्रशासनिक कार्यपालिका के अधिकारी और कर्मचारी जनता से सीधे जुड़े होते हैं। उनके कार्यों से लोग प्रभावित होते हैं। विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को व्यवहार में लागू करवाने का कार्य कार्यपालिका का है। सरकार द्वारा लोगों की इच्छाओं उम्मीदों तथा जनता के मत के आधार पर निर्मित नीतियों योजनाओं तथा कार्यक्रमों को लागू करवाने का कार्य प्रशासनिक कार्यपालिका करती है। आगे पढ़ते हैं राजकीय कार्यपालिका हर 5 वर्ष के बाद या सत्ता का त्याग करने के साथ बदलती है, जबकि प्रशासनिक कार्यपालिका यह अस्थायी नियुक्त वाले प्रशासनिक अधिकारियों से निर्मित होने के कारण अस्थायी है।
प्रशासनिक अधिकारियों के सेवानिवृत्ति की आयु देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। अगर कोई अधिकारी अपने सेवा काल के समय रिश्वत यानी कमीशन, भ्रष्टाचार या कार्य के प्रति लापरवाही करता है तो आवश्यक जांच के बाद उसे नौकरी से निकाला जा सकता है अथवा निलंबित यानी बर्खास्त सस्पेंड किया जा सकता है। राजकीय कार्यपालिका के सदस्य किसी न किसी राजनैतिक पक्ष के सदस्य होते हैं। पक्ष के प्रति उसकी व्यक्तिगत वफादारी लोकमत के आधार पर जनता द्वारा उसका निर्वाचन यानी चुनाव या उनकी मुख्य योग्यता यानी कौशलता काबिलियत है, जबकि प्रशासनिक कार्यपालिका में शैक्षणिक योग्यता, गुणवत्ता यानी विशिष्टता तथा अनुभव यानी जानकारी के आधार पर उसी प्रकार सार्वजनिक स्पर्धात्मक यानी प्रतियोगिताओं के परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बाद उसकी अस्थायी नियुक्ति होती है। प्रशासनिक अधिकारियों की सेवा को सनदी सेवा के रूप में जाना जाता है। केंद्र स्तर पर राज्य की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल का समावेश यानी समाविष्ट किया गया है। इसमें बता रहे हैं कि राज्य की कार्यपालिका हर 5 वर्ष के बाद सत्ता यानी शासन का त्याग करने के साथ बदलती है, जबकि प्रशासनिक कार्यपालिका यह अस्थाई है। अस्थाई नियुक्त वाले प्रशासनिक अधिकारियों से निर्मित होने के कारण अस्थाई है, इसमें बदलाव कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रशासनिक अधिकारियों के सेवानिवृत्त यानी कार्य से मुक्त की आयु जो है देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। अगर कोई अधिकारी अपने नौकरी यानी सेवा के समय कार्य के समय रिश्वत यानी कमीशन, भ्रष्टाचार या कार्य के प्रति लापरवाही करता है तो आवश्यक जांच के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है या सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। राजकीय कार्यपालिका के सदस्य किसी न किसी राजनैतिक पक्ष के सदस्य होते हैं। पक्ष के प्रति उसकी व्यक्तिगत वफादारी यानी ईमानदारी लोकमत यानी जनता के आधार पर जनता द्वारा उसका निर्वाचन यानी चुनाव यह उसकी मुख्य योग्यता यानी कौशलता है, जबकि प्रशासनिक कार्यपालिका में शैक्षणिक योग्यता, गुणवत्ता यानी विशिष्टता तथा जानकारी के आधार पर उसी प्रकार सार्वजनिक स्पर्धात्मक परीक्षाओं को पास करने के बाद उसकी अस्थायी नियुक्ति यानी चयन होती है। प्रशासनिक अधिकारियों की सेवा को सनदी सेवा के रूप में जाना जाता है। केंद्र स्तर पर राज्य की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल का समाविष्ट किया जाता है। आगे पढ़ते हैं राष्ट्रपति। भारत में संवैधानिक रूप से सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है। संघ केंद्र सरकार की सभी कार्यपालिका विषयक सत्ताएं संविधान द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी गई है। केंद्र सरकार का पूरा प्रशासन यानी शासन राष्ट्रपति के नाम से चलता है। वह राष्ट्र का सर्वोच्च तथा भारतीय प्रजातंत्र यानी भारत के जनता का प्रथम नागरिक है। कह रहे हैं इसमें कि भारत में संविधान के रूप में बनाए गए सर्वोच्च यानी प्रथम सबसे ऊँचे पद पर राष्ट्रपति का पद होता है। केंद्र सरकार की सभी कार्यपालिका विषयक जो अधिकार है संविधान द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया है। केंद्र सरकार का पूरा शासन राष्ट्रपति के नाम से चलता है। वह राष्ट्र का सर्वोच्च तथा भारतीय प्रजातंत्र का प्रथम नागरिक है। आगे पढ़ते हैं योग्यता। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। सरकारी वैतनिक कर्मचारी अथवा किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। संसद सदस्य या सदस्य राज्यों के विधानसभाओं का सदस्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के तथा राज्यों के विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों से निर्मित मतदाता मंडल के द्वारा परोक्ष यानी प्रत्यक्ष पद्धति यानी तरीके से किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन वह चाहे तो दोबारा चुनाव में भाग ले सकता है। जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है तब तक उसे उसके विरुद्ध कोई भी फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही उसकी गिरफ्तारी या किसी प्रकार की सजा यानी दंड का आदेश दिया जा सकता है। करें राष्ट्रपति का पद पाने के लिए उस
और उसके लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उसकी उम्र 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। सरकार के द्वारा वेतन न पाता हो, सरकारी कर्मचारी न हो अथवा किसी भी लाभ के पद पर न हो। संसद सदस्य या राज्यों की विधानसभाओं का सदस्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के तथा राज्यों के विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों से निर्मित मतदाता मंडल के द्वारा परोक्ष यानी प्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के लिए किया जाता है, लेकिन वह चाहे तो दोबारा राष्ट्रपति का जब चुनाव होता हो तो उसमें भाग ले सकता है। और जब तक राष्ट्रपति अपने पद यानी पदवी पर रहता है तब तक उसके खिलाफ कोई भी फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और न ही किसी प्रकार की सजा देने का आदेश दिया जा सकता है। आगे पढ़ते हैं, कार्य और सत्ताएं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत यानी अधिक मत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त यानी चयन करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। उन्हें शपथ यानी कसम दिलवाता है। उनके बीच विभागों का बंटवारा करता है। जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिमंडल को समर्थन यानी सहमति प्राप्त रहता है तब तक राष्ट्रपति उसकी अवगणना यानी उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति संरक्षण दलों का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति को दूसरे देशों के साथ युद्ध शुरू करने, युद्ध बंद करने या संधि यानी समझौता करने की सत्ता यानी अधिकार प्राप्त है। राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्तियों यानी न्यायाधीशों, अटॉर्नी जनरल, मुख्य चुनाव आयुक्त, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, विविध देशों में भारत के राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस प्रकार कार्यपालिका तथा प्रशासन से संबंधित विशाल तथा अधिकृत यानी अधिक से अधिक सत्ताएं राष्ट्रपति के पास हैं। अपराधियों की सज़ा माफ़ करने, फौजदारी मामले में दी गई सज़ा की समयावधि यानी समय बढ़ाने को, कम करने को तथा सज़ा को स्थगित यानी रोकने अथवा सज़ा के रूप में परिवर्तन करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। करें कि राष्ट्रपति लोकसभा में अधिक सहमति प्राप्त करने वाला, मत प्राप्त करने वाला नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। उन्हें शपथ दिलवाता है। उनके बीच विभागों का बंटवारा करता है तथा जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिमंडल को समर्थन प्राप्त रहता है तब तक राष्ट्रपति उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। राष्ट्रपति संरक्षण दलों का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति को दूसरे देशों के साथ युद्ध करना है कि नहीं करना है, युद्ध बंद करना है या समझौता करना है, सारी सत्ताएं अधिकार प्राप्त है। राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालयों के वरिष्ठ न्यायमूर्तियों, अटॉर्नी जनरल, मुख्य चुनाव आयुक्त, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, विविध यानी अलग अलग देशों में भारत के राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस प्रकार कार्यपालिका तथा प्रशासन से संबंधित बहुत बड़ा और अधिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अपराधियों को सजा माफ़ करने, फौजदारी मामले में दी गई सजा के समय को कम करने तथा सजा को रोकने अथवा सजा के स्वरूप में परिवर्तन यानी बदलाव करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाना, उसे स्थगित यानी निरस्त करना तथा लोकसभा को भंग करने की सत्ता राष्ट्रपति के पास है। युद्ध, बड़ा आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से भारत में अथवा भारत के किसी भी भाग में सुरक्षा के समक्ष भय यानी खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति के इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति उस समय में संवैधानिक आपातकाल घोषित कर सकता है तथा राज्य के मंत्रिमंडल को बर्खास्त करके, निलंबित करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर वहां का प्रशासन यानी शासन अपने हाथ में ले सकता है।
इसमें बता रहे हैं कि संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाना, उन्हें स्थगित करना यानी रद्द करना तथा लोकसभा को भंग करने की अधिकार राष्ट्रपति के पास है। युद्ध, बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह से भारत में अथवा भारत के किसी भी भाग में सुरक्षा के समक्ष अगर कोई खतरा पैदा होता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति के इस निर्णय के खिलाफ न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दे सकता है। राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल की प्रार्थना पर राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक आपातकाल घोषित कर सकता है तथा राज्य के मंत्रिमंडल को निरस्त कर निलंबित करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर वहाँ का शासन अपने हाथ में ले सकता है। आगे पढ़ते हैं, देश में आर्थिक संकट अथवा वित्तीय आपातकाल के समय सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में कटौती कर सकता है। विशाल सत्ताएं धारण करने तथा संवैधानिक सर्वोच्च होने के बावजूद भी लोकतंत्र की परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की सलाह यानी राय लेने और उसके अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध है यानी मजबूर है। करें देश में आर्थिक संकट अथवा वित्तीय आपातकाल के समय सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में कटौती कर सकता है। विशाल अधिकार धारण करने तथा संवैधानिक सर्वोच्च होने के बाद भी लोकतंत्र की परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की राय लेने और उसके अनुसार व्यवहार करने यानी काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, मजबूर है। जैसे बच्चों आज अभी आप लोग देख रहे होंगे कोरोना जैसे महामारी चल रही है तो इसी नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारियों का भी वेतन इस समय ऐसे आपातकाल स्थिति में काटा जा रहा है देश के सहयोग के लिए। बच्चों यह पाठ आपका आज इतना ही पढ़ाएंगे, आगे का भाग आगे के वीडियो में पार्ट 3 में पढ़ाएंगे। इसको जितना पढ़ाया गया आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।